कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कसम तेरे प्यार की शो से नाम कमाने वाले एक्टर शरद मल्होत्रा, जो कि काफी ज्यादा फेमस एक्टर है और साथ ही यहाँ पर अक्सर हर किसी मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते नजर आते हैं। बता दें कि बनू मैं तेरी दुल्हन शो से उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री की थी और अपना नाम कमाया था, जहां पर दिव्यांका त्रिपाठी के साथ वो इस शो में मेनली डायरेक्टर के तौर पर नजर आए थे। बता दें कि शिशु से वो काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट हो गए थे, जिसके बाद शरद मल्होत्रा का कसम तेरे प्यार के शो भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था और इसी के साथ उनकी एक्टिंग भी। बता दें कि शरद मल्होत्रा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर अपना एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में शरद मल्होत्रा ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जाने से वो काफी ज्यादा दुखी थे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर जब शरद मल्होत्रा को मिली तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड थे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत 34 साल की उम्र में ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का करियर काफी अच्छा था, सुशांत सिंह राजपूत काफी अच्छा काम कर रहे थे, उनकी फिल्म छिछोरे काफी हिट गई थी, अपकमिंग फिल्म दिल बेचारा थी जिसमें उन्होंने काफी उम्दा किरदार निभाया था, उसका ट्रेलर भी मैंने देखा था। बीती रात ही मैंने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का ट्रेलर देखा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इस तरह अचानक दुनिया को अलविदा कह देगा, ये काफी बड़ी बात है। इसी के साथ शरद मल्होत्रा ने इस बात पर सवाल भी उठाया था कि सब लोग बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तौर पर बीमार था, वो डिप्रेस्ड था, डिप्रेशन का शिकार था और डिप्रेशन की बीमारियां ले रहा था, लेकिन हमें कोई हक नहीं बनता कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन को डिप्रेशन की बात कहकर टाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं जानते कि सुशांत सिंह राजपूत आखिर किस दौर से गुजर रहा था, वो कितना परेशान था कि आखिर उससे अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि सुशांत सिंह राजपूत इतना मजबूर हो गया कि उसे इस तरह का कदम उठाकर दुनिया को अलविदा कहना पड़ा, वो भी इतने कामयाब करियर के बाद, वो भी महज 34 साल की उम्र में। कई तरीके की बातें शरद मल्होत्रा ने सुशांत सिंह राजपूत पर की और साथ ही शरद मल्होत्रा ने ये भी कहा कि हर कोई ये कह रहा है कि टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डिप्रेशन है, यहाँ पर लोग आगे नहीं बढ़ने देते, ये होता है वो होता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन और डिप्रेस्ड इंसान का होना हर फील्ड में होता है, चाहे वो नॉर्मल जॉब करे, चाहे वो सरकारी दफ्तर में काम कर रहा हो या फिर किसी बड़ी इंडस्ट्री में, यहाँ पर हर कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार होता है। यहाँ तक कि मैं भी कुछ सालों पहले डिप्रेशन का शिकार हुआ था, लेकिन मैंने ब्रह्म कुमारी की मदद ली और ब्रह्म कुमारी की मदद से 1.5 साल का वक्त लगा था मुझे डिप्रेशन से बाहर आने में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा पहला शो सुपर डुपर हिट हो गया है, मैं नेक्स्ट शाहरुख खान बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मुंह के बल गिर पड़ा और ऐसे में मुझे काफी बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डिप्रेस था। 1.5 साल लगे मुझे इस डिप्रेशन की बीमारी से बाहर निकलने में, लेकिन फाइनली मैं इस बीमारी से बाहर निकल गया और एक बार फिर से अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है पूरी खबर शरद मल्होत्रा की सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर।